लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पर्यावरण है तो जीवन है, इसलिए पर्यावरण और हरियाली कायम रहनी चाहिए। इसी मकसद को लेकर ग्रीन होप संस्था कई वर्षों से लगातार काम कर रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रीन होप संस्था के अध्यक्ष संदीप नाइक ने राफा नाइक विद्यालय के छात्रों के साथ महापे के गौली देव में वृक्षारोपण किया और स्वच्छता अभियान भी चलाया। पूर्व विधायक संदीप नाइक ने कहा कि कोरोना के कारण जिस तरह ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, उसने हमें पर्यावरण और प्रकृति का महत्व समझा दिया है। उन्होंने नवीनबई मनपा को ऑक्सीजन उत्पादन और संवर्धन के लिए बेहतर नियोजन का भी सुझाव दिया। कई वर्षों से गौली देव को पर्यटन स्थल बनाने के प्रयास में जुटे संदीप नाइक ने विश्वास जताया कि एक दिन नवीनबई का सबसे मनोरम पर्यटन स्थल बनकर उभरेगा। उन्होंने नागरिकों से पेड़ लगाने और पर्यावरण बचाने का भी आह्वान किया। देखिए रिपोर्ट। पेड़ और प्रकृति के संरक्षण का काम करने वाली ग्रीन होप संस्था ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया। महापे के गौली देव परिसर में ग्रीन होप के अध्यक्ष संदीप नाइक ने आज राफा नाइक स्कूल के तमाम छात्रों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ पेड़ लगाए और परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया। छात्रों ने हाथों में पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ, स्वच्छ सुंदर परिसर निरोगी जीवन निरंतर का बैनर थामे पेड़ लगाने का संदेश दिया। बीजेपी नेता संदीप नाइक ने कहा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली। महानगर पालिका, इंडस्ट्रीज और कुछ एनजीओ वृक्षारोपण के जरिए ऑक्सीजन बनाने का काम कर रहे हैं, वह सबके लिए फायदेमंद है। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रकृति ऑक्सीजन बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, इसलिए यदि हम सही जगह पर पेड़ लगाएंगे और उसका संवर्धन करेंगे तो इससे आने वाली पीढ़ी के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता रहेगा। यहाँ पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने, घनश्याम मडवी समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। ऑक्सीजन की कमी पूरे नवी मुंबई में, पूरे राज्य में, पूरे देश में हमें देखने को मिली। जब ये सेकेंड वेव आई तो ये सब चीज़ें एग्जॉस्ट हो गई और हर चीज़ का शॉर्टेज यहाँ पे हमें देखने को मिला, और उसमें सबसे बड़ा शॉर्टेज ये ऑक्सीजन का था। महानगर पालिका, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री, कुछ एनजीओस ये ऑक्सीजन बनाने का, ये प्लांट्स के अलग अलग तरीके से जो प्रयास कर रहे हैं, ये सही में सबको फायदेमंद रहेंगे। और ये निसर्ग ये सबसे बड़ी ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री है, तो हम लोग अगर ट्री प्लांट करेंगे, सही जगह पर सही ट्री प्लांट करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे, तो नेचुरली ऑक्सीजन्स हमारे शहर में क्रिएट होगा और ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे आने वाले नस्ल के लिए ये फायदेमंद रहेगा। इस अवसर पर बीजेपी युवा नेता संदीप नाइक ने छात्रों का प्रबोधन करते हुए नवी मुंबई में ऑक्सीजन प्लांट और उसकी खपत को मॉनिटरिंग करने, विभाग स्तरीय कैप्टिव मिनट्स विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं वे कोरोना काल खत्म होने के बाद भी उपयोगी बने रहे हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना जरूरी है। संदीप नाइक ने कहा कि यदि मनपा सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई की निगरानी के लिए व्यवस्था विकसित करती है तो नवीनबईकरों के लिए इसके दूरगामी फायदे मिल सकते हैं। हर चीज में ऑक्सीजन ये जरूरी है। महानगर पालिका खुद का जो ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है उसके लिए कैप्टिव यूनिट्स खुद के बनाने की आवश्यकता है, वो हर एक हॉस्पिटल के स्तर पर होने चाहिए, ये विभाग स्तर पर होने चाहिए, नोड स्तर पर होने चाहिए, और हमारी शहर की ज़रूरत पूरी करने के बाद और शहरों को भी ऑक्सीजन देने की क्षमता हमारे शहर में आनी काफ़ी ज़रूरी है। महानगर पालिका के हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट और बाहर के लोगों की रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग पूरा कर पाए। देखिए कि अभी बड़ी संख्या में प्लांट्स क्रिएट होंगे, क्योंकि जब भी ज़रूरत थी तब ये प्लांट्स नहीं थे, लेकिन अभी आने वाले समय में हर जगह पर ये प्लांट लगाए जाएंगे। ऐसे समय ये प्लांट्स वापस यहाँ पे वैसे ही जगह पे है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और वो भंगार में गए,
और वापस कभी 3 साल के बाद में इसकी ज़रूरत आई तो वापस हम उसको रिपेयर करते बैठे और उसका यूज़ नहीं हुआ, ऐसी चीज़ न हो उसके लिए हमारा कैप्टिव कंजम्पशन हम लोग पूरा करते हुए उसको मेंटेन करके हमें और प्राइवेट लोगों को ये ऑक्सीजन सेल करने का भी प्रयास महानगर पालिका से होना चाहिए। एक बिजनेस भी होगा और जो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो मेंटेन होगा और सही में जब इसकी यूटिलाइजेशन करने की बात आएगी तो हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।